हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। थोड़ी आजकल ना तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो ये देखिए मैंने बहुत पहले का वीडियो डला हुआ है, मुझे दिख गया तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पे हर सुने की है अनबॉक्सिंग, तो मैंने आई शेडो पैलेट मंगवाया था और ये मुझे 250-300 रुपये का पड़ा था। उसमें हर तरह के कलर हैं, ग्लेटर आई शेडो और सादा वाले, मतलब वो कलर भी आपको हर तरह के मिल जाएंगे। और तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आया। तो अरे यहाँ पे मैंने ये मंगवाया था फेस वॉश, जो कि मम्मा अर्थ का है, बहुत अच्छा फेस वॉश है और काफ़ी लंबा चलेगा आपका, क्यों देख सकते हैं आप, जैसे हैंड वॉश नहीं होता उस टाइप का है। और ये मुझे 250-300 रुपये के अंदर पड़ा था। मेरी बहन लगाती थी, फिर उसके बाद तभी मैंने मंगवाया, उसने इसको यूज किया था तो बोला दीदी बहुत अच्छा है, तो मैं भी इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ। ये वीडियो काफ़ी पहले का है, तो आप इसको मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। हर्बल है, इससे अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, तो अगर आप लोग चाहें तो मंगवा सकते हैं। और ये मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कितने का था। तो बस हम रेडी हो गए और शादी में जाना है, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, पूजा वगैरह भी हो गई हमारी, तो चलते हैं खाना खाने, फिर मिलते हैं वहीं पर। हो गए, मंगू भी रेडी, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, पूजा भी हो गई और हर्षू देखिए खाते खाते जा रही खाना खाने। आ जा जल्दी, ताली भी लगाने बाहर के, चलते हैं तो मिलते हैं। आ जा, वैसे चप्पल पहन ली। और ये देखिए हम लोग घर से निकल चुके, तो हर्षता की चल रही थी मस्ती और मंकू भी था। मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को ऑयली चीजें नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया, तो वो कह रही मैं जाके क्या करूंगी। तो बस हम ही लोग जा रहे थे और जो लॉज थी काफी दूर थी, और किसकी शादी है तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक किसकी शादी में चली मैं, मतलब किसकी शादी है आप लोग सोच रहे होंगे। तो हमारे पड़ोस में ही है, अंकल आंटी की लड़की की ही शादी थी, काफी दूर लॉज थी, तो हम लोग गाड़ी से ही गए और देखिए हम लोग पहुंच गए। बहुत अच्छा लॉज था और देख सकते हैं आप लोग, वक्त सेल्फी भी ले रहे थे। तो बस हम लोग अंदर एंट्री करेंगे यहीं पर, और बाहर देख सकते हैं ढोल वगैरह मतलब नगाड़ी, वाह और यार वाह, लड़कियां भी खड़ी हुई थी जो कि फूल लो फेंक रही थी सभी के ऊपर, स्वागत कर रही थी सभी का, देख सकते हैं आप। तो करते हैं अंदर। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और जब हम पहुंचे ज्यादा भीड़ नहीं थी, वो काफी बड़ा लॉज था, काफी सुंदर था, काफी नहीं बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हर्षू देखिए खड़ी हुई थी अपने बड़े पापा के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ढाबा बोला टिक्की पर, मतलब हर लड़की की फेवरेट होती है टिक्की, लड़की क्या हर किसी की फेवरेट होती है, तो टिक्की पी मैंने एक दो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो ज्यादा कुछ नहीं खाया, तो बस यहाँ पे टिक्की पियेंगे। और हर्षू से बोला तो हर्षू कह रही नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, तो बस पीते हैं टिक्की, आप लोग भी पीजिए टिक्की। अच्छू, ओए, अच्छू।
अभी हम देखिए अंदर आ गए जहाँ पर जयमाला कार्यक्रम होना था, और साइड में देख सकते हैं आप टीवी बड़ी वाली चल रही थी जहाँ पर जो पिक्चर होती है संगीत की और मेहंदी की, तो वो दिख रही थी फोटो में, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे क्योंकि हर्षित कर रही थी कि मम्मा उधर चलो चलो, तो हम लोग आए थे इधर की साइड, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब जगह बहुत अच्छे से। और बस घूम घाम के सब जगह, और खाना भी हमारा हो गया था। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं आगे आगे भाग रही हूँ पीछे से वीडियो, तो भाई था जो पीछे ही वीडियो बना रहा था। तो बस वो भी अब जल्दी आने लगा है।